तो हेलो गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, दिस इज़ योर एसके टेक गेमर। कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में हम वर्सेस करने वाले हैं एक 5 साल के लड़के के साथ। उसने मुझे ओपन चैलेंज किया कि तू मेरे को फ्री फायर में 1v1 हरा दे। अरे भाई, किसको बुला रहा है? इसको रिमूव कर। अरे मैं इसको पहले बोलता हूँ ST ब्रो स्टार्ट कर दे, तो देखते हैं। अरे ये बंदा मेरी टीम में क्यों आ गया? अरे हटा इसको यार, पार फेंक। और ये अब हमसे 1v1 करने वाला है। इसने मेरे को ओपन चैलेंज करा है गाइस, तुम्हारे भाई को ओपन चैलेंज करा है। तो आज की ये वीडियो थोड़ी सी लेट शूट हो रही है, तो करके थोड़ी सी लेट आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला मैच। और हाँ, अभी तक जिस वीडियो ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है, तो क्या कर रहे हो गाइस? प्लीज़ वीडियो को जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। हाँ तो चलिए देखते हैं पहले राउंड में इसका गेम प्ले कैसा है। मैं थोड़े सा नूब गेम प्ले करने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी आवाज़ कम करते हैं, क्योंकि एक ग्रेनेड ले लेता हूँ। इसने मुझे कहा है कि तुम ग्रेनेड ग्रेनेड सब यूज़ कर सकते हो। मैं आई वाज लाइक ओके। मैं कहा, इसने हमसे ओपन चैलेंज बात करके कहता मैं तो ग्रेनेड नहीं करूँगा, अगर तुझे ग्रेनेड यूज़ कर ले, कुछ भी यूज़ कर ले, तो हम भी ग्रेनेड का उपयोग करेंगे अच्छे से। इसने मेरे को ओपन चैलेंज दिया, गाली भी दी थी। मैं कहा तू 5 साल का लड़का यार, गाली क्यों देता है? ये देखो क्या मारा। ओ भाई, इमोट इमोट बाजी नहीं चलती भाई यहाँ पे। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाते हैं, मेरे फुटस्टेप्स नहीं पता चले थे। अब थोड़ा सा रुक, तेरा गेम बजाना पड़ेगा। रुक, अब तेरा गेम बजाना पड़ेगा हमें। तेरा गेम जब तक नहीं बजेगा तब तक अपन को चैन नहीं हो, खो गया है ये बात हो जाएगी। पंछी बनूं उड़ के चलूं एक सफ़र में, ओ पंछी बनूं उड़ के चलूं एक सफ़र में। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस आगे, और मैं देखना चाहता हूँ ये बंदा मेरे पे कैसा अटैक करता है, क्योंकि ना अभी मुझे नहीं पता ये बंदा क्या क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा होगा आप ही बताओ गाइस। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। ये वहाँ पे लूट के जाता हुआ दिखता है, और मैं इसको धरने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं इधर से स्काइलर मार के इसको धर देता हूँ। अभी देखना, मैं आगे जाके यहाँ ग्रूवर लगाता हूँ। मैं कहा धर जा, ये बंदा हेड बचता है एक। ये देखना कैसे 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 इसके मुँह आ रहे थे। और ये मेरे ख्याल से इसका नेटवर्क कनेक्शन नहीं रहा था, तो करके मैंने इसको मार दिया। अभी हम देखते हैं अगला राउंड, आप देखने में हैरान हो जाएंगे कई राउंडों में मैं इसको कितना गंदा बजाने वाला हूँ। 7 राउंड में कई राउंड आप देखोगे भाई, मैं इसको कितना गंदी तरीके से मारता हूँ। ओपन चैलेंज जो दे रहा था, मेरा खून खोल गया था। मैं कहा अब हम यहाँ पे हमारे फ़ोन देखो, मेरी गेम भी 30 FPS पे चल रही थी, 22 FPS पे थी, अब 61 तक पहुँच गई है। अब थोड़े से FPS स्टेबल नहीं रहते, पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन में जो स्पेस नहीं है इतना। अगर स्पेस होता तो मेरे फ़ोन में ना स्टेबल FPS भी रहते यार। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं आगे। इट सेज टू बी फ्री फायर। यहाँ पे एक अब मैं इस पर रश करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने इतनी लॉन्ग रूट में क्यों नहीं मारा था, किसका रीजन था? अगर मैं लॉन्ग रूट में मारता है फिर लगाता, और ये देखना क्या गंदा मेरे मारता है इस राउंड में। और फिर ये इमोट बाजी शुरू करता है। देख भाई, वो मार चाहे मार, पर इमोट बाजी मेरे को नहीं पसंद। जिसने इमोट दिखा दिया फिर उसकी माँ चो दी हमने, ये बात हो जाती है। सॉरी गाइज फॉर बैड वर्ड्स। हाँ गाइज, अभी तो बाहर से कोई व्हीकल टप रहा था, इस करके आपको थोड़े से ना साउंड में इशू मिला होगा, इस करके मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो अभी हम ये राउंड स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो अभी मेरे खून खोल गया, मैं कहा अब तो इसको M187 से मारना है। और मेरा खून इतना खोल गया था कि आप खुद देख सकते हो, मैं गोलियां ही छोड़ गया सारी। ऐसे तो अनलिमिटेड का है, गोलियां छोड़ दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अब मेरे गुस्सा आ गया, फिर इसने मेरे को ना फ़ोन लगा के गाली बगी क्या, और साले बहन के टोड़े आ जा सामने। फिर मैं कहा यार ये तो गलत बात है यार, तू गाली क्यों दे रहा है? मैं कहा भाई तू चल, तूने मेरे को मार दिया पर गाली क्यों दे रहा है? फिर मेरा खून खोल गया, मैं कहा ये बंदा गाली क्यों दे रहा है? मैं यहाँ पे इसके गोली मारता हूँ, लेकिन इस बंदे ने कहा आ जाता है ग्रेनेड। फिर मैं सोचता हूँ चलो इसकी ऐसी तैसी करते हैं। ओपन चैलेंज अपन को दे रहा था, अपन को अभी आगे आ जाता है।
ये देखो भाई, जब मैं पूरी ग्रूवल लगा के अपने आप को पैक करता हूँ और फिर आगे जाता हूँ, तो ये मुझे वहाँ दिखता है। तो गाइज अभी ये मेरे को वहाँ दिखता है, तो मैं इसकी मैं इसका सोचता हूँ, रुक बेटा तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा अपने को, अगर हमने तेरा गेम नहीं बजाया तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। और ये देखो क्या इसका गेम बजाया, सारा देख भी नहीं रहा। और फिर हम भी इसको रोज इमोट दिखाते हैं, मतलब मेरे ना ज़्यादातर रोज इमोट दिखाता हूँ सबको, नहीं तो उसके साथ वाला दूसरा इमोट, मेरे को पता नहीं ना इमोट दिखाना, इमोट बाजी करना पसंद नहीं है। कई लोग होते हैं जैसे मार दिया इमोट दिखाने लग जाएंगे 24 घंटे, भाई तुमने मारा है ज़्यादा ज़्यादा, और क्या तुमने कहीं हिंद थोड़ी ना जीत ली, भाई तुमने मार दिया तो इमोट दिखाओगे क्या, इतने हो गए हो तुम। हाँ गाइस, तो इसलिए मैं ना इमोट बाजी इतनी नहीं करता। अगर आप कहते हो गाइस मज़ा नहीं आ रहा, मैं यहाँ इमोट करते हैं हम चलते हैं आगे, लेकिन इस राउंड में भी इसका गेम बजाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये मेरे को इसका गेम गंदी तरह बजाना पड़ेगा। ये मतलब 5 साल का लड़का हमको चैलेंज कर रहा है, आप देख रहे हो भाई, गेल अच्छी रहा है कहने को कुछ भी कह दो। यानी पहला राउंड जो इसने मारा था ना, हेड पे मारा था, वन टैप था वो बिल्कुल, लेकिन अब इसको गेम बजाना पड़ेगा, अब हम भी वन टैप मारेंगे। और बेटे तेरा गेम बजाना पड़ेगा, पर मुझे नहीं पता ये बंदा कहाँ कहाँ रहता है, साला कहाँ कहाँ दिखता है, मेरे समझ भी नहीं आती कभी कभी तो ये इस गेम में। अब हम चढ़ मैं चढ़ गया ऊपर मैं देखने के लिए, यार मैं यहाँ पे पता नहीं ग्रूवल क्यों लगा देता हूँ, फिर मैं मुश्किल से जंप करके ऊपर जाता हूँ कि मेरे को लगा ये आमने सामने बंदा मुझे दिख जाए, बट ये बंदा मुझे नहीं दिखता। फिर मैं यहाँ नीचे जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, फिर मेरे को समझ नहीं आती है बंदा कहाँ पे है कहाँ पे है, फिर मैं सामने एकदम से ग्रूवल ले लगाने लग जाता हूँ, ये बंदा मेरे पे अटैक करता है इसलिए मैं सामने एकदम से ग्रूवल ले लगाता हूँ, और देखते हैं अगर पीछे आएगा तो उसकी गेम बजा दूँगा। फिर मैं यहाँ साइड से निकलता हूँ, तो फिर मैं और देखा गाइस मैंने ग्रूवल लगाया, मैंने कहा इसको रश कर दें, और ये इसको करा एलिमिनेट। वैसे हेडशॉट पे नहीं हुआ लास्ट गोली, क्योंकि हेड पहले वाली लग गई थी, क्या है यार किस्मत दिमाड़ी थी। चलो 3 राउंड निकाल लिए और 4 राउंड ऊपर ऊपरी और निकाल लेंगे। यार मैं सोचता हूँ वेस्ट भी मैक्स कर ही लेते हैं। इसने मेरे को ओपन चैलेंज दिया है, इसने कहा कि मैं ना स्नाइपर भी यूज़ करता हूँ, डबल डबल फुकरी मार रहा साला, कहता सब कुछ अलाउड है। मैं कहा ठीक है, पैगा पहले बोल रहे सब कुछ अलाउड है, कहता हाँ ठीक है। अब मैं कहा रुको तेरा गेम में जाना। अब फिर गाइज आप कोई कमेंट ना करना कि भाई तूने चीटिंग करी, उसने नहीं करी, भाई उसने नहीं करा, भाई उसने खुद कहा था कि सब कुछ अलाउड है। हाँ गाइज अब तक इस वीडियो में अगर यहाँ तक आ गए तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। अब वीडियो को ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते, जिस करके ना यार चैनल की थोड़ी ग्रोथ रुकी पड़ी है, 70-75 वीडियो आई हैं, व्यूज़ आए हैं। गाइस थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, जो 2-4 व्यूज देते हो अगर उसमें आप थोड़ा सा लाइक शेयर का हमारे को एक थोड़ा सा करके दोगे तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है गाइस। ये तो बंदा अपने मेरे ट्रैप में फंस गया, ये तो मैं कहता तो मेरे को फ्री का किल मिल गया। फिर मेरे को भी थोड़ा गुस्सा आ गया, मैं कहा यार ये तो फ्री का किल है यार, फ्री के किल में मज़े नहीं आते अपन को इसका गेम फिर बजाना पड़ेगा, इसका गेम ऐसा बजाना है कि ये बंदा सोच में पड़ जाए। फिर मैं यहाँ देखता हूँ इसने मेरे को 2630 के डैमेज, मैंने 4 1600 का डैमेज पे मारा है, देख लो गाइस डैमेज बहुत तगड़ा कर रखा है। कहीं आप मेरे को बाद में गालियाँ बको, और ये जो बैकग्राउंड की नॉइस आती है ना, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और हाँ, तक अभी तक इस वीडियो में यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भूलना हमारे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो। और ये बैकग्राउंड में नॉइस बोल रहे हैं ना, मैं इसके सारे के जाकर जूत मारूंगा, पापा का बच्चा लग रहा है। आई एम स्टिल हेयर बेटा, साला चूतिया ना हो तो किसी था दा। सॉरी गाइस फॉर बैड लैंग्वेज, बट गाइस कभी कभी ये लैंग्वेज बोलनी पड़ती है, ये लैंग्वेज ना बोले ना गाइस तो हमारा भी बिजनेस नहीं चलता, थोड़ा सा बिजनेस चल जाए हमारा भी तो आप गरीब का घर बस जाएगा, आपको क्या दिक्कत है गरीब तो हम कहाँ, बहुत गरीब है। मेरे को लगता है ये बंदा यहाँ था, फिर मैं इसको यहाँ पे स्पेशल मेरे को लगा इधर छुपा पड़ा होगा, लेकिन ये इधर था नहीं। फिर मैं ऊपर जाने की सोची, मुझे लगा ये तो फिर इसने ड्रॉप लूट लिया, और मुझे फक हो गई थी, और मैं इधर से मारने लगा और इसने मेरे को मार दिया।
और ये फिर रिमोट करता है बेटा। अब तुम्हारे भाई का खून खुल जाता है बहुत तगड़े वाला, और जब तगड़े वाले तुम्हारे भाई का खून खोलता है, अब तुम्हारा भाई को जब गुस्सा आता है तो तुम्हारे भाई को पता है ना, सेटिंग की कसम खा के बोलते हैं आपा, मेरी सेटिंग की कसम मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तारा भाई जोगिंदर की तरफ है, अब तो इसका गेम तगड़े वाला बजाना पड़ेगा। और हाँ गाइस, अब मैं ना पैक्स लेजेंड्स गेम भी है ना वो भी ट्राई करेंगे, और GTA सिलेंडर्स को मोबाइल पे भी ट्राई करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा अभी GTA सिलेंडर्स को आप मोबाइल में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, GTA सिलेंडर्स, GTA वाई सिटी, सारी गेम्स A to Z। और हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में रिडीम कोड का गिव अवे भी होएगा। इस वीडियो के अंदर आपको पहले लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसने लाइक सब्सक्राइब वीडियो को तीनों कर रखा अगर अच्छे अच्छे कमेंट कर रखे होंगे उसको 100 रुपीज़ का रिडीम कोड मिलेगा, और ऐसे 10 बंदे होंगे। और देख लो सर, हमने 1000 रुपये मेरे चैनल पे लगा रहे हैं, 1000 रुपये अगर मैं मेरे स्टूडियो पे लगाऊँ तो देगा, बट ये गिव अवे मेरा दोस्त कर रहा है, उसका भी चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो भी चैनल पे वीडियो डालेगा। उसने मेरे को कहा है कि तू अपने तेरी थोड़ी सी रीच है तू ऐसे कर दे। और हाँ, इससे भी मेरी शर्त लगी हुई है 10,000 डायमंड की। आर यू सीरियस गाइस? इसने मुझे कहा मैं तेरे को 10,000 डायमंड दूंगा, ये देता है या नहीं देता है, मेरे से फ्रॉड करता है, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। पता नहीं, मेरे को तो बंदा फ्रॉड ही लग रहा है, क्योंकि इसने मेरे को कहा ही नहीं, और इसने कस्टम भी मेरे से ही बनवाया है। मतलब कस्टम तो वो 24x7 वाले मिले हुए थे, मैं कहा चल इस साले के कस्टम फेस्ट के करने हैं, आप अपना कस्टम बनाते हैं, और ये धर दिया साले को, मज़ा आ गया। अब ये बंदा सोच में पड़ गया होगा, और मैं कहा अब नेक्स्ट राउंड में इसकी गेम बजाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को गुस्सा बहुत आता है, और ये बंदा इतना पावड़ा है कि मैं इसके जूत मारने का बहुत मन करता है मेरे को। और ये बंदा इतने इतने गंदा खेलता है, मगर अच्छा खेल रहा है पर बंदा मैं बराबर का नहीं है, क्योंकि मैं ना पहले हीरोइक तब कुछ कर लेता था, बट जब से ना मेरी टीम गई है ना तब से मैं खेलना शुरू कर गया, और मैं कल्ला हो गया था। तो इस कल्ले बल को दूर करने के लिए मैं सोचा यूट्यूब पे वीडियो बना के डालता हूँ, और भी तो डालते हैं, क्या पता मेरे दोस्त वापस खेलने लग जाए मेरे साथ, पता नहीं उनको पता नहीं क्या शौक चढ़ गया। बट गाइस चलो कोई ना, अब जिसको भी मेरे साथ खेलना हो ना वो कमेंट कर दिया करो, मैं ज़रूर खेला करूँगा आपके साथ, मुझे पता नहीं। और ये गाइस हमने जीत लिया ये वाला में, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने इससे मैजिक लैंप भी देखते हैं, 5,000 डायमंड देगा नहीं देगा, 10,000 डायमंड वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों पर हमें फॉलो कर लेना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ गाइस, यहाँ तक इस वीडियो का आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, हम रिडीम कोड का गिव अवे करने जा रहे हैं, 1000 रुपये की रिडीम कोड है, 10 बंदों को मिलेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।